इनका पीछे ऑन 11/8/2013 नाइट अराउंड 12 o'clock इन द मिड नाइट वी रिसीव्ड, हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से एक कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302-120B रेड विथ 34 IPC भनलगुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डीसी शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज्ड A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट दिस इज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं कहीं चीज़ों में कहीं कहीं टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में काम जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में जो भी इश्यूज हो रहा है कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर ये डीसी शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डीफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। तो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन तीन चार जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। तो एक ग्रजेस से एक दो बार इसको डीसी को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है। अभी अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया, इसके द्वारा अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है। सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने A1 अहमद बिन हजेब को एक टूल जैसा यूज़ किया। बिकॉज अहमद बिन हिजाब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले, तो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है, अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है, उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे हम इसको हटा गए तो, इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के द्वारा
they have given assurance that assurance to Ahmed bin Hajab. So Ahmed bin Hajab और A6 मोहम्मद अयूब इन दोनों ने तो इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। एवन अहमद बिन हजब ने एक शायद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको उसको डरा के शेख बाउजीर के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के, और थोड़े देर के बाद जब बाउजीर ने एक अच्छा सरकमस्टांसिस में जिसके उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अपस्टैंडिंग हो गया है, और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब जब मर्डर हुआ उस दिन से अपस्टैंडिंग में था। तो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और सी पी साराज क्लियरली टोल्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली इन द एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कहीं जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज एवन अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज